हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या कर रहा है। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से आज व्लॉग नहीं गया है। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि ये मेरे लिए क्या बना रहे हैं। ये देखो, यहाँ पर है पति वैलेंटाइन डे से पहले ही बीबी की सेवा कर रहे हैं। अरे क्या है यहाँ पे, दिखाओ तो सही। एक्चुअली ये बना रहे पास्ता। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, अभी तक लेटी थी और आज का व्लॉग गया नहीं। मतलब आज इसी वजह से, कल व्लॉग नहीं बनाया था तबीयत खराब होने की वजह से। एक्चुअली फीवर और वो था, मुझे क्या बोलते हैं, तो फीवर और कफ एंड कोल्ड वो था, तो इसी वजह से आज का व्लॉग। मैं ये लाइट लगाओ, कुछ भी नहीं दिख रहा है तो इसीलिए ना आज खाना भी नहीं बनाया है। तो अभी ये ड्यूटी से आए थे, वो भी कुछ आए थे, तो देखो ये बना रहे हैं यहाँ पे पास्ता। यही लग रहा है पास्ता, पहली बार बनाया पापा ने। हाँ। पहली बार पास्ता बनाया इन्होंने। एक्चुअली मुझसे ही अभी रेसिपी पूछी है, लेकिन बना तो बहुत सही है, मतलब दिख बहुत सही रहा है। अभी पता नहीं कैसा बनेगा, बट अच्छा बना होगा क्योंकि इनके हाथों से जो भी ये बनाते हैं तो बहुत मन से बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। और यहाँ पर अधिक सोया है, यहाँ पर एक मिनट लाइट ऑन करती हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। अद्विक ने जब से स्कूल से आया है, मैं एक्चुअली अद्विक को लेने भी नहीं गई थी स्कूल, अंकल गए थे। यूनिफॉर्म पे सो गया, देखो यहाँ पर सोया है अद्विक। तो एक्चुअली ना मैं अद्विक को लेने नहीं गई थी स्कूल, तबीयत खराब थी, इस वजह से मैं सोई थी। तो अंकल को बोल दिया था कॉल करके, शिकान के पापा को, कि आप चले जाओ लेने के लिए। तो वो गए थे लेने के लिए। तो अंकल गए थे लेने के लिए, तो उधर से आया अंकल लेके आया। अंकल को कहीं जाना था, इस वजह से अंकल चले गए, अंकल लेके आए। तब से ये सोया है, तो अभी तक सोया ही है। तो टिफिन फिनिश किया था आज इन्होंने, टिफिन बना के दिया था बच्चों को। क्या बना के दिया था पापा ने? कुछ नहीं, कुछ नहीं, राइस से लेके गए थे। राइस लेके गए थे? अद्विक को मैगी बना के दी, मेरे स्कूल में चलती नहीं ना मैगी। अच्छा, और इसलिए अद्विक को मैगी बना के दी। मैं सोई थी तो इन्होंने राइस बना के दिया था माही को, और अद्विक को मैगी बना के दी थी। तो अद्विक वही लेके गया था टिफिन में, तो मैंने चेक भी नहीं किया उसका टिफिन आने के बाद। तो पता नहीं उसने फिनिश किया होगा कि नहीं, बट अंकल बोल रहे थे उसको खाना खिला दिया है घर पे, क्योंकि फिर उनको पता था कि घर पे खाना नहीं बना होगा, इसी वजह से उन्होंने खाना बना के, मतलब खाना खिला के उसको भेज दिया था यहाँ पर। आई पापा, और अभी ये ड्यूटी से आया तो ये इनको भी खाना नहीं मिला। तो ये बोल रहे थे कि आपने खाया है क्या कुछ, तो मैंने भी कुछ नहीं खाया था, तो टैबलेट लेनी थी, इसी वजह से ये बोल रहे थे कि मैं पास्ता बना के देता हूँ। तो फर्स्ट टाइम बना रहा है, तो देखेंगे अभी कैसे बना है। तो ऐसा होता है जब बीवी बीमार होती है तो घर की हालत भी ख़राब हो जाती है, और खाने वाने के लिए भी कुछ नहीं, खाने वाने के भी वादे हो जाते हैं। तो चलिए अभी खाते हैं पास्ता और मिलती हूँ खाने के बाद आपसे। सो गाइज, यहाँ पर माही कर रही थी पढ़ाई, और ना वो मुझे एक पोएम उसने लर्न की थी वो बता रही थी। एक्चुअली वो जो पोएम है ना उसने लर्न की थी, वो पोएम अद्विक के सामने अगर बताती है ना तो अद्विक एक्टिंग करता है, तो बहुत ही अच्छे से एक्टिंग करता है वो उस पोएम पे। तो इसी वजह से हम लोग ना हंसते हैं। तो उस माही को लग रहा था कि मम्मा दिन भर से सोई है, तो वो मेरे सामने एक्टिंग करके बता रही थी अद्विक की। तो वैसे वैसे करके, मतलब जैसे वो कर रही थी उस पर मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, मतलब अद्विक की पूरी एक्टिंग मेरे आंखों के सामने ही आ रही थी, इसी वजह से मैं थोड़ा सा हंस तो भी पा रही थी। और दिन भर से सोई थी, मतलब थोड़ा सा, मतलब होता है ना कि जब आपका वो होता है, मतलब जुकाम वगैरह होता है ना, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन करती है, पता नहीं क्यों मेरी बॉडी पर बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी। तो इसी वजह से मैं सोई थी, तो थोड़ा सा खा लिया था, टैबलेट ले ली थी, थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, तो इसी वजह से मैं माही के पास बाहर आके बैठ गई थी। मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा मैं बाहर आके बैठूँगी, थोड़ा सा मूड फ्रेश होगा, अच्छा रहेगा। तो इसी वजह से वहाँ पर काफ़ी देर तक हम लोग बैठे थे। माही अब पढ़ाई कर रही थी, तो माही को भी
पढ़ाई के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आ रही थी, तो वो भी मैं बता रही थी उसे। और ना अद्विक अभी भी सो ही रहा था, क्योंकि अद्विक जब से स्कूल से आया था तब से यूनिफॉर्म पहन के ही वो सो गया था, यूनिफॉर्म में नहीं उतारा था उसने, क्योंकि मेरी ताकत ही नहीं थी। मैं मतलब उस टाइम मैंने टैबलेट वगैरह नहीं ली थी, तो मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उसके कपड़े मतलब वो चेंज करूँ या कुछ। तो वो थोड़ी देर मेरे पास खेला और वैसे ही फिर वो सो गया था। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा था, बट मैं वहाँ पर बैठी थी। फिर माही ने तब तक पढ़ाई की, और उसके बाद उसने थोड़ी सी अदरक वाली चाय भी मुझे बना के दी थी। एक्चुअली बहुत लोग बोलते हैं कि माही बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। एक्चुअली सच में बहुत ज़्यादा समझदार है वो, क्योंकि ना, और हाँ, उसे चाय बनाना भी आता है, तो बहुत बार चाय बना लेती है वो, और बहुत अच्छे से चाय बनाती है। पहले पहले मुझे भी डर लगता था उसको चाय बनाने देने के लिए, बट उससे ना बहुत ज़्यादा पसंद है ये सारी चीज़ें। अद्वि को भी बहुत अच्छे से हैंडल करती है, और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करती है। आप लोग ही नहीं, बहुत लोग उसे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा समझदार है माही। सो गाइज, हम लोग जा रहे हैं बाहर। मीन्स ये बोल रहे हैं कि चलो थोड़ा सा बाहर जाके आते हैं, तो आपको फ्रेश लगेगा थोड़ा। तो इसी वजह से हम लोग ना बाहर जाके आ रहे हैं, तो थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं। कुछ खाना है तो खा के आ जाएंगे, और थोड़ा सा बाहर जाऊँगी ना तो फ्रेश लगेगा। नहीं तो मैं क्या करती हूँ घर पे, अगर मेरी तबीयत ख़राब रहती है ना, मैं घर के अंदर रहती हूँ, फ्रेश भी नहीं होती हूँ, कुछ भी नहीं। और इसी वजह से ना मुझे अच्छा ही नहीं लगता है फिर। और मेरी तबीयत ऐसे लगता है कि मेरी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है और कितनी नहीं। तो अभी मैंने टैबलेट ली थी, थोड़ा सा खा लिया था पास्ता, उसके बाद मैंने टैबलेट ली थी, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो अभी जाके आते हैं। माही रेडी हो रही है, अद्विक रेडी हो रहा है, उसके पापा रेडी कर रहे हैं उसे। तो मैं रेडी हो गई थी, ऐसे फ्रेश हो गई थी मैं, तो चलो मैंने सोचा चलो जाके आ जाते हैं बाहर, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा और बच्चों को भी अच्छा लगेगा, घूम के आ जाएंगे। तो दीदी ला आजी भाई बोल रहे हैं। दीदीला काय म्हटलं मी? आजी भाई हां काय म्हटलं मी नहीं, दीदीला? आजी बा, आजी बा अद्विकला आजोबा म्हणते मी। नहीं आजी भाई, हां आजी भाई म्हटलं। दीदीला काय म्हटलं मी? आजोबा नहीं, तुला आजोबा म्हटलं मी। नहीं दीदीला आजोबा म्हटलं, आजी बाई म्हटलं मी दीदीला। नहीं आजोबा दीदीला। अच्छा, आणि तुला? काय तुला काय म्हणायचे आप्पाजी? मग तुला आजी बाई म्हणायचं? ओ, एक वेळ हाय करून दे अद्वे। तू सकाळपासून हायच नाही केलं ना? नाही करतो तू हाय? बघ ना इकडे, तर बघ गुस्सा, इकडे तर बघ। ए अद्विक, इकडे बघ ना, इकडे वर बघ ना, नाही गुस्सा हो मुझसे, इधर इधर देखो, इधर ऊपर तो देखो पिल्लू। हाय हाय बोल दो, सिर्फ हाय बोल दो, हाय नहीं बोलोगे? एक एक बार फेस तो दिखा दो। ए अद्विक, दीदी ने मारलं तुला? नाही रे दीदी, तुझा लाड करते। नाही तुझा लाड करते दीदी, तर असं कोणावर आरोप नाही लावायचे। लावत आरोप तू। चल आता आपल्याला जायचं, चल चल ना। तू नाही ये, मग तू घरीच राहते एकटा? तुझा बर्थडे नाही आहे? तुझा बर्थडे आहे ना, आपण केक कट करू ना बाहेर। आता झालं तुझं मूड ठीक? हा, मग आता हाय म्हणत। मम्मा आता मी चमकत नाहीये। तू चमकत नाहीये? आता हाय म्हणून दे ना एक वेळ। चमकत नाहीये? हाय बोल दो ना एक बार। मम्मा मी चमकत नाहीये। हा चमकत, आता आता बघ, आता बघ कसं चमकत। हा आता चमकलं तू? नाही ना। मग तू एक वेळ हाय तर म्हणून दे। चमक नाही, चमकतच नाहीये। बापरे किती भाव खाते हा हाय करायला। हाय तर बोल दे एक बार। हाय। हा बापरे, सेलिब्रिटीने हाय बोल दिया। आज माझा बर्थडे है। आज इसका बर्थडे है, इसको सभी ने विश करना आप लोगों ने। आज तो मजा आता
चाकू बर्थडे। हाँ बर्थडे का केक कट करने के लिए चाकू मिलेगा इसके हाथ में आज। आसमंतन भैया आसमंतन भैया बर्थडे होता ना आज? नो होता, खूब दिवस झाले होता। आता आपण गेलतो मंथन भैया हो ते खूप दिवस झाले ना त्याला। अद्विक अद्विक गाइस हम लोग घर पे आ गए हैं और हम लोगों ने ना शॉपिंग भी की है कुछ। एक्चुअली मम्मी को वो चाहिए था साड़ी या चाहिए थी कुछ, तो मैं आई थी उस दिन। तो क्या हुआ था कि मम्मी को मेरी एक साड़ी जो है वो पसंद आ गई थी जो मैंने लास्ट में ली थी, आप लोगों को पता ही है, जो मैंने उस दिन ली थी। पिंक कलर का उसका ब्लाउज मैंने आपको दिखाया था, जो थोड़ा सा वो था, मैं आपको दिखा देती हूँ वो साड़ी। तो वो वाली पसंद आ गई थी, वही कलर चाहिए था मम्मी को, लेकिन वो कलर मिला नहीं एक्चुअली, तो मैंने दूसरा कलर लाया है पिंक कलर। तो ये वाला कलर लाया है मैंने, ये देखिए ये कलर लेके आई हूँ मैं मम्मी के लिए। और उस इसका ना ब्लाउज कुछ इस तरह से है। आज अद्विक का बर्थडे था तो आज केक नहीं कट किया अद्विक ने, तो इसी वजह से बोल रहा है कि आज तो मैंने, हम लोग बाहर गए लेकिन केक तो कट किया ही नहीं हमने। तो ये वाली साड़ी लेके आई हूँ और उसे ना बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी मेरी साड़ी, तो इसी वजह से वो बोल रही थी कि आपके जैसे सेम ही साड़ी चाहिए मुझे, बट सेम कलर तो मिला नहीं, इसी वजह से फिर काफ़ी सारे कलर थे वो सेम ही कलर नहीं मिला, सिर्फ वही कलर एक ख़त्म हो गया था। तो मैं ये वाला कलर लेके आई हूँ और बहुत अच्छा है ये वाला कलर भी। तो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना मुझे। इसका जो ब्लाउज़ है वो इस कलर का है, मतलब पूरा इस तरह से है। मेरा ब्लाउज पिंक कलर का था और इस कलर की साड़ी थी, बट ये जो ये है साड़ी है तो इसका ये पूरी साड़ी पिंक कलर की है और ब्लाउज उस कलर का है, तो उसके जैसे ही मिला है, सेम उसकी जैसे, मतलब उसकी जैसी साड़ी है बट कलर चेंज है सिर्फ। और एक और चाहिए थी उसे सिंपल वाली, मतलब प्लेन, मतलब वो क्या बोलते हैं रेगुलर यूज़ के लिए, तो इसी वजह से मैं ये वाली लेके आई हूँ। सुभाष ब्रांड से है ये वाली साड़ी, मतलब सुभाष ब्रांड थोड़ा फेमस ब्रांड है तो उससे है ये, और बहुत ही अच्छी है ये वाली साड़ी भी, बहुत ज़्यादा मतलब सुंदर है। ये देखिए इस तरह से इसका पीक है और डिज़ाइनर साड़ी में से आती है ये वाली। ये देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा है, आपको पता ही चल रहा होगा। और इस तरह से इसके जो बॉर्डर है वो इस तरह से है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे ये वाली साड़ी भी। देख सकते हो ये नीचे से क्या निकला है यार, पता नहीं, अभी मुझे पूरी फोल्ड करनी पड़ेगी इसके। तो ये साड़ी लेके आई हूँ, तो मम्मी को ना चाहिए थी, मम्मी मतलब यहाँ से ही शॉपिंग करते हैं एक्चुअली। मैंने आपको बताया था कि मेरी जो सिटी है वहाँ से काफ़ी लोग शॉपिंग करते हैं साड़ियों की, क्योंकि यहाँ पर साड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है, इसी वजह से यहाँ पर साड़ियों की शॉपिंग की, मतलब कोई भी शॉपिंग हो आजू बाजू से, जो पड़ोस के सिटी से जो लोग हैं वो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं, जो बड़े बड़े सिटी से भी लोग आते हैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। तो इसी वजह से यहाँ पर ना साड़ियाँ या कुछ भी कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है हमारे यहाँ पे, तो इसी वजह से मम्मी यहाँ से ही साड़ियाँ लेके जाती है, हमेशा आती है। तो बट उस दिन मम्मी एक ही दिन के लिए आई थी, बच्चों को देखने के लिए आई थी और शॉपिंग तो कर ही नहीं पाई, तो इसी वजह से, और उसको घर में भी थोड़ा सा काम चल रहा है तो मैंने आपको बताया ही था, तो उन्हें जल्दी जाना था। तो ये वाला इसका ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, मतलब डिज़ाइनर ही साड़ी है ये, तो बहुत ज़्यादा अच्छी है साड़ी भी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इसी वजह से मैंने ये वाली साड़ी ली उसके लिए। तो ये मतलब दो साड़ियाँ ली है आज, शॉपिंग की है। और ना थोड़ा सा शॉपिंग करने जाते हैं ना, कोई भी लेडीज़ हो शॉपिंग करने जाते हैं तो मूड बहुत अच्छा हो जाता है लेडीज़ का, है ना, शॉपिंग करने, मतलब ये माही ये सही बात है, मतलब जो भी शॉपिंग करने, मतलब कोई भी लेडीज़ हो शॉपिंग फेवरेट चीज़ होगी उनकी, मतलब अगर कुछ चीज़ करे या ना करे लेकिन शॉपिंग करने के लिए जाएंगी ना
तो सारा मूड ठीक हो जाता है, तबीयत भी ठीक हो जाती है, सारा कुछ ठीक हो जाता है। तो बाहर ये देखो हंस रहा है अब। सुन रहे हो ना? सही सरप्राइज। और इतने दिन हो गए, अभी इतने डेज चल रहे हैं, मतलब क्या चॉकलेट डे। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ बोलो इधर आओ। इतने डे हो गए हैं, चॉकलेट डे, हग डे, क्या बोलते हैं, टेडी डे। हग डे नहीं, हग डे नहीं, टेडी डे है। आज का भी डे भूल जाओ। अरे कल वैलेंटाइन डे है, कल का डे देखेंगे, आज का क्या? नहीं मतलब पूरा कल ही मिल जाएगा क्या? पूरे दिन का चॉकलेट भी, टेडी भी, बैक का जो पूरा गिफ्ट है कल मिल जाएंगे। सच में? ठीक है देखेंगे अभी क्या देते हैं ये देख लेना। तो इतने दिनों से कुछ भी नहीं दिया है, मतलब वो मैंने उस दिन स्टेटस नहीं रखा था कि वो क्या बोलते हैं। हाँ पूरी को सुनो पहले। हाँ ठीक है ठीक है। तो उस दिन मैंने एक स्टेटस रखा था, हाँ वो जो टिकटॉक पे वीडियो नहीं आता है जो हग डे किस डे जो है वो शादी से पहले की पूछने हैं। हाँ ठीक है। तो और शादी के बाद का क्या है? वॉलेट दे, कपड़े दे, ये दे, अलाना दे, फलाना दे, ढमका दे, ये है सारा। चॉकलेट, हाँ चॉकलेट डे तो हो गया। तो यही रहता है शादी के, शादी के बाद कोई वैलेंटाइन डे नहीं रहता है और कुछ भी नहीं रहता है ना। अभी पता चलेगा कल का क्या है। तो लेकिन आज तो फीवर नहीं, लेकिन आज इन्होंने बाकी का कुछ नहीं किया होगा, लेकिन आज इन्होंने मुझे मतलब बीवी की सेवा बहुत की है आज। सरप्राइज क्या है माही? तो बीवी की सेवा बहुत की है, लेकिन आज मेरे आंखें और भी जल रही है। अभी अभी भी यही बनाएंगे कुछ ना कुछ। तो देखो आंखें बहुत ज़्यादा जल रही है मेरी। तो बाहर तो गए थे, मूड फ्रेश हो गया है, बाकी कुछ नहीं। तो चलिए अभी थोड़ी देर रेस्ट कर दी हूँ मैं और फिर खाना खाएंगे। और गाइस यहाँ पर क्या हो रहा है? अंडा, ये बना रहा है अंडा करी। अंडा करी बना रहा है, अंडा भुर्जी नहीं, अंडा करी बना रहा है ये। और आज तो पूरा मतलब पूरा मार्केट में रेड ड्रेस ही थे पूरे लटकाए हुए कल के लिए। हाँ बेटा, अच्छा वरन का, ये वरन का नहीं, दाल का, दाल का बोलते हैं, वरन का नहीं, अच्छा वरन का, आप समझ जाइए मराठी में दाल को वरन बोलते हैं। सुबह के लिए चने भिगो दो। हाँ चने, ये देखो चने भी भिगोने के लिए डाल दिए मैंने। भाई नहीं मिल रहा है तो खाएंगे तो? क्या हो गया, क्या हो गया? अच्छा वो मिक्सी का इतने बर्तन बजा रहा है, ये पहले से मेरा सिर दर्द हो रहा है, ये बर्तन बजा रहा है। तो चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ मैं। अद्विक एप्पल लाया है मेरे लिए, काट के देखिए। उसमें मत डालो, उसके मत, उसमें मत ठोको। छिलका निकाल रहा है। हेयर स्टाइल का पूरा खराब हो गया, मैं भी सोई थी तो। सो गाइस खाना हो गया है, डिनर अभी किया है, और इन्होंने बनाई थी आज अंडा करी, तो अच्छी बनी थी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। तो बस डिनर तो हो गया है और अभी बज रहा है रात के 10:30। तो चलिए फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। वहीं मैंने टैबलेट नहीं ली दो वहाँ से। हाँ तो चलिए मैं टैबलेट भी ले। हाँ हाँ दो ही है। तो इसके साथ अगर मुझे पानी भी दे दोगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए
चलिए मैं ले लेती हूँ टैबलेट, मिलती हूँ आपसे कल के व्लॉग में।